मित्रों, आज मैंने आते हुए रास्ते में एक दुर्घटना देखी। अचानक देखा हमने कि एक बाइक सवार जा रहा था और सामने से ट्रक आई और ट्रक ने उसको कुचल दिया। एक सेकंड लगा जिंदगी को मौत में बदलने हुए, एक क्षण, तुरंत जिंदगी खत्म, मौत हो गई वहीं पर। वहां पर मैंने देखा मेरा दिल बहुत ही उदास हो गया, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा विषय से हटकर थोड़ी बात करेंगे, थोड़े से आध्यात्म में जाना पड़ेगा। ओरिजिनल हकीकत, जीवन की सच्चाई क्या है, जो हमको समझ में आया, थोड़ा उस पर आज चर्चा करेंगे। आप लोग समझिएगा दोस्तों, ये मानव का तन हमको मिला काहे लिए, बहुत महत्व की बात है। अगर आप विषय सुनोगे तो अंत में यहां पर जाके आपको टच करेगी बात। दोस्तों, कभी बैठकर सोचो, इस बात को कभी सोचा है कि ये मानव का शरीर हमको मिला क्यों है? उसके बाद हमको राजन जी महाराज की वही चार लाइनें याद आई। उन्होंने हमको कथा में एक बार एक दिन सुनाया था, हमको याद थी, कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, अमलया गिरी की सुचि शीतल मंद, समीर सुगंध मिली न मिली, कि कली काल कुठार लिए है खड़ा, तन नम्र से चोट झिली न झिली, और जप ले हरि नाम अरे रसना, कि जप ले हरि नाम अरे रसना, कल प्रात को जान हिली। इसलिए मेरे युवा भाइयों को ये हमारा संदेश है, हमारा मैसेज है कि भाइयों, अभी से आप अभी से आदत डालो भगवान नाम जपने की, क्योंकि देश को सुधारने और बिगाड़ने का काम युवा ही करते हैं, और युवा ही अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जब हम जवान होते हैं तभी वही हमारा समय बिगड़ने और बनने का दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, अगर घर का वातावरण आपको बनाना है, अपनी फैमिली को सुधारना है, बच्चों को सात्विक रखना है, तो भगवान नाम का सहारा अभी से लो, आज से लो। बिना व्यर्थ की चर्चा किए दूसरे की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, गाली गुप्ता मत दो, ऐसे शब्द मत बोलो किसी को तकलीफ हो। करना क्या है? भगवान नाम जपना, पूजा पाठ कुछ मत करो यार, कहीं मत जाओ, हम नहीं कहते कुछ मत करो, लेकिन अगर आप नाम जप रहे हैं तो दोस्तों, इस कलयुग में केवल नाम जपने का ही फल है। आप राम नाम का सहारा लो, सबसे बड़ा सहारा है। ठीक है दोस्तों, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, और अंक गए कछु ना रहे, और अंक रहे दुसगुण। जैसे कि 0 0 0 लगा दो, ऐसे लगाते चले जाओ, उसका कोई मतलब है, लेकिन शुरुआत में अगर एक लिख दो और फिर 0 लगाओ तो 0 का महत्व हो जाता है उस एक के लिखने से। ठीक है, तो वही एक अंक क्या है? वो भगवान नाम है। यदि भगवान नाम जपोगे तो आगे कितने भी 0 लगेंगे सब 10 गुना बढ़ते चले जाएंगे। जो भी काम करोगे अगर भगवान नाम जप रहे हो तो उसका फल आपको 10 गुना बढ़ करके मिलेगा। इसलिए दोस्तों, नाम का सहारा कभी मत छोड़ना, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, नाम जपते रहो, खुद का भी कल्याण करोगे दूसरे का भी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक छोटा संदेश था अपने मित्रों के लिए, अपने युवा साथियों के लिए। अगर बात यहाँ टच करे, ठां से लगे, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक हो दोस्तों, राम राम, जय सिया राम।